रोजाना की तरह आज भी हम आपको दिखाएंगे एक नई खोज, एक नई खबर, ना मिर्च ना मसाला, सीधा खबरों से हवाला। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर एक आपका चैनल, आपकी आवाज 24 घंटे। सोनू भाई एक मिनट थोड़ा सा आपका भी ले, सबके बनाएंगे। सोनू भाई, ये जो हादसे हुए जी, इनके बारे में क्या आप रोशनी डालेंगे, क्या कहेंगे दंगों के बारे में? रोशनी तो ये है जी, जो भी लोग थे सब बाहर के थे, यहाँ तो हमारा सबसे प्यार है और हमेशा रहेगा जी। और जितने भी हमारे मुसलमानों के जो बॉर्डर थे वहाँ पे लोग आए हैं, हम किसी के यहाँ लड़ने नहीं गए, वे ही हमारे यहाँ पे आए हैं और उनका हमने मुकाबला डट के किया है। मुकाबला करने की वजह से कुछ भाइयों के जो अलग हमारे घर थे वे जल चुके, जो हमारे मुस्तफ़ाबाद के जो लोग थे उन्होंने सब ये हमारे घर हमने अपने बचाए। ये मैं जो हमारे मंदिर थे बराबरों में हमने उनकी हिफाजत करी जी। एक भी मंदिर हमारे एरिया में कोई जला नहीं, कोई हिंसा नहीं हुई। हमने सबको, जो हमारे यहाँ भाई लोग हैं वे भी हमें भाई मानते हैं और भाईचारा हमारा आज भी है और वो कल भी रहेगा। शिव बिहार के पीड़ित आए हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कर रहे हैं? शिव बिहार के जितने भी भाई लोग आए हुए हैं यहाँ पे कम से कम 1500 आदमी हैं, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग अभी 1500 अब भी हैं। सबके घरों में हमने अपने घरों में रख रखा है और सब लोगों को हम टाइम से हर चीज़ करा रहे हैं और सब हमारे भाई हैं। और ये चीज़ अब अमन की हम अपील करते हैं कि अमन हो जाए, बस हम और कुछ नहीं चाहते। यहाँ पर सोनू मलिक साहब ने जी, मलिक साहब ने कहा, अब आप भी अपना थोड़ा सा तारुफ दें आप। सर देखिए, मेरा नाम नफीस समन सैफी है जी। और सर देखिए, 3 मेरे फैमिली हैं जी। जैसे ये हादसे हुए, ये चमन पार्क के और इंदिरा विहार के सभी लोग, उन पीड़ितों को, जवान बेटियां बच्ची थी, उन्होंने यहाँ पे लाना उनको चालू किया। शुरू से ही हर आदमी 10-10 5-5 घर में उनको रखना चालू किया। इन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आपका बड़ा घर है, फैमिली को ले जाओ, आप हमें ये दे दो। हमने सर इनको ये पूरी जगह दे दी, जिसमें कि ये सारी यहाँ पे औरतें, छोटे बच्चे, बूढ़े नौजवान और जो बाकी इनके हस्बैंड वगैरह हैं वो जगह जगह घरों में दूसरी जगह वो शिफ्ट कर रखे हैं। और सर मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि ये जैसे 2-3 हज़ार आदमी हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इनके लिए कोई कैंप लग जाए, तो ये सारे लोग एक जगह हो जाए और मीडिया को ये सब इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, पहले अपना आप तारुफ दें जी। मेरा नाम शमसुल अहमद है जी। मैं शिव बिहार शमशान घाट के पीछे मेरा मकान है जी। जी 25 तारीख को सुबह 11 बजे जी ये पथराव करना शुरू कर दिया नाले के ऊपर जी। इतना पथराव करना शुरू कर दिया कि भाई हम लोग घबरा गए, फिर अपने मकान में रहे। भाई देखेगा भाई, 2-4 घंटे के अंदर ये शायद वो थक जाएंगे तो चुपचाप हो जाएंगे, लेकिन वो लोग चुप नहीं हुए। वो करीब करीब 6 बजे मगरिब के नमाज के बाद तक पथराव करते रहे और गोलीबारी करते रहे। उसके बाद फिर ये लोग अंदर बढ़ गए और सिलेंडर निकाल के, कार को तोड़ के सिलेंडर उसमें डाल के अंदर फेंक दिया। भैया मैं आपसे थोड़ा सा बीच में बोलना चाहूँगा जी। क्या एक तरफ जो लोग बाग ये इधर उधर अफवाह हो रही है कि ये मामला जो है किसकी तरफ से पहल हुई है? पहले सबसे ज़्यादा पहल जो हुई है मुसलमानों की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, सबसे पहले उन लोगों की तरफ से हुई है, यानी जो बाहर से लोग आए हुए थे। हम हिंदू भाई को हम बदनाम नहीं करते शिव बिहार के, क्योंकि हिंदू भाई हमारे बहुत ही ज़्यादा पड़ोसी हैं। एक सुशील भाई है मेरे घर के बराबर में है। एक दफ़ा मैंने मकान बेचने चाहा तो उन्होंने कहा कि भाई पहले शमसुल जी आप पहले मेरा मकान बेचो, उसके बाद तुम्हारा मकान बेचेंगे, जा भी जाएंगे एक साथ लेंगे। तो सुशील भाई से मेरा बहुत ही प्यार और मोहब्बत है, मैं हिंदू भाई को बदनाम नहीं कर सकता। और वजह यही है कि भाई सुशील भाई ने मुझे बहुत ही ज़्यादा वक्त पे काम आया और मैं भी उसके वक्त पे काम आया जी। तो मैं अब आप क्या चाहते हैं भाई? हमारे जो मकानात जो नुकसान हुए, करीब मेरा जो है ना एक बुलेट जो अभी देश में मिली लड़के को उसको ख़त्म कर दिया, एक स्प्लेंडर है, एक आपका ग्लैमर गाड़ी है, एक आपका, आप मुआवजे की मांग चाहते हैं जी? ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, मुआवजा क्या भरेंगे आप भाई? ऐसा अभी लड़की के मैंने शादी के लिए सारा जेवरात भी खरीद लिया था, वो सब घर पे रखे हुए थे, कुछ रकम घर पे रखे हुए थे, ये सब बिल्कुल तहस नहस हो गया। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी हो हमारे इसका कुछ भरपाओ करे, लेकिन भरपाओ तो कर नहीं पाएंगे जी। अपना पहले तारुफ दें आप क्या? जी मेरा नाम नौशाद मलिक जी, इंदा विहार से जी। ये हमारी पूरी गली में ये बेचारे उधर से आए हैं
रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक बराबर आते रहे इनको हमने सबने कहां से सिंह विहार से आए। अच्छा ये जो चमन पार्क ये इंदिरा विहार है, इंदिरा विहार गली नंबर 4 यहां पे आए हैं। हमारे पूरी गली में कोई मकान ऐसा नहीं है जिसमें कोई मतलब जगह खाली हो जी। तो यहाँ पे हमारे तो यही है सरकार से कि इन बेचारों के जाके घर देखे जाएं, वहाँ पे कोई मीडिया नहीं जा रही, इनके घरों को कोई नहीं दिखा पा रहा, जो भी आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन हमारी ये है रिक्वेस्ट कि इनके घरों को दिखाया जाए, सरकार को दिखाया जाए, वहाँ पे जो तोड़फोड़ हो रही है इनकी भरपाई करी जाए, ये बेचारे अपने घरों में जाएं। हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि इनकी भरपाई जो करी जाए, हर तरीके से भरपाई करी जाए। ये शुरुआत हुई है जी कपिल मिश्रा के बयान हो जी। कपिल मिश्रा अगर भड़काऊ बयान नहीं देते जी तो ये इतना काम नहीं फैलता। तो आप कहाँ के हैं? मैं यहीं कैसी गली के रहने वाला हूँ। तो आपके यहाँ पे शरणार्थी आ रहे हैं जो शिव विहार वगैरह सर मेरे घर पे हैं जी, मैं उनकी सेवा पानी कर रहा हूँ, जो मेरे पे पड़ा वो कर रहा हूँ जी। आपको क्या महसूस हो रहा है कि ये लोग जो आपके यहाँ आ रहे हैं, दर्द भरी दास्तान जो है कुछ ना कुछ सुनाई होगी आपको। ये बेचारे परेशान हैं, इनके घरों में आग लगा दी गई है, इनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, ओढ़ने को नहीं है, बैठने को नहीं है, उठने को नहीं है, कहाँ जाएं बेचारे। इन्हें हमने यहाँ बिठा लिए, रख रखे हैं इनको यहाँ से, इनकी हम सेवा पानी कर रहे हैं जो जितने भी हमसे हो रही है। बात कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आराम से, तो किससे बात कर रहा हूं मेरे आपसे क्या ज्यादा बात।